हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सजी धजी लग रही हूँ ना मैं आपको। किसी ने मुझे कमेंट किया था, ऐसी दीदी ऐसी तैयार आ करो। अरे यार, हर सुबह कौन तैयार रहता है? घर में तो इंसान नॉर्मली रहता है। एंड मेरे रूम में इस समय लाइट नहीं चल रही है। ये जो भी आपको मैं दिख रही हूँ, मेरे फ़ोन का मैंने टॉर्च ऑन कर रखी है उससे दिख रही हूँ, क्योंकि शौरिश सो रहा था। एंड जस्ट नाउ मैं एक हॉल वीडियो शूट करके आई हूँ, उसी के लिए मैं थोड़ी सी रेडी हुई थी। एंड अब मैं सोची थोड़ा सा इसी तरह से हर वीडियो में मेकअप करके बैठा करूँ, तो मेरा मेकअप में थोड़ा सा हाथ साफ हो जाएगा। आज मैंने कोशिश की है कि मेरी आईब्रोज सेम हो। आई ट्राइड, आई एम लर्निंग, क्योंकि अभी मेरी आईब्रोज बिल्कुल बनी नहीं है, आप देख सकते हैं। या मैं आईब्रोज बनवाने नहीं जा पाई हूँ, इस वजह से थोड़ा अनटाइडी हो रहा है। तो थोड़ी सी रेडी हुई थी, धीरे धीरे अपना हाथ साफ कर रही हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से आपके साथ कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ। अगर आप भी मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड मैं तभी शेयर करूँगी जब आप लोग मेरी बैंड नहीं बजाएंगे कि दी ये नहीं वो नहीं। मतलब आप सजेस्ट करोगे वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है जो मेकअप ट्यूटोरियल बनाते हैं कुछ लोग, उनको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे किसी की गाली नहीं खानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो शूट हो गई है, शौरिश सो रहा है, लंच वगैरह हो चुका है। अभी आई थिंक 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। यही दोपहर का टाइम होता है जब मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ, तो मैंने काम निपटा लिए। अब मैं ऐसे ही रेडी होके थोड़ा सा लेट जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को आपको मिलती हूँ। सो मैं थोड़ा आराम करके आ गई हूँ लॉबी में। शाम के डिनर की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह ली थी, यही डाइनिंग टेबल पे पड़ी है इस तरह से। एंड काफ़ी दिन से मैंने सब्ज़ी नहीं ली थी और सब्ज़ी वाले भी नहीं आ रहे थे, तो धनिया ख़त्म हो गया था। एंड यू नो मुझे धनिया चाहिए होता है, तो ये रहा धनिया। धनिया और पालक लिया है, तो ये दोनों मैं साफ़ करूँगी। एंड मैंने कहा चलो काम करते करते थोड़ी बातें भी बना लेंगे। एंड मैं इतना मेकअप करके बैठी हूँ, मुझे इतना अजीब लग रहा है। अभी बस ये टॉप भी चेंज करने वाली हूँ, टॉप भी चेंज करूँगी एंड मेकअप भी हटाऊँगी। तो ये है पालक, पालक का बनाऊँगी साग, कल बनाऊँगी लेकिन आज नहीं बना रही। आज मैं कुछ हल्का बनाऊँगी। थोड़ा ना मेरा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उसे सेट कर लेती हूँ। अब मैंने इसे थोड़ा सेट कर लिया है, अब बेटर है ये। और मैं क्या बताने वाली थी, कुछ पता, हाँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो जिनकी डिमांड है कि मैं उनके लिए पंजाबी सूट लुक का लुक दिखाऊं। तो भाई मुझे कुछ खास मेकअप नहीं आता है, बट जैसे मैंने ये किया है ऐसे ही थोड़ा सा इसमें थोड़ा हाइलाइटर एंड ब्लश थोड़ा ज़्यादा कर लूँगी एंड आपको दिखा दूँगी, कोशिश करूँगी। बट मैं ये सोच रही हूँ कि पंजाबी मेकअप लुक दिखाऊं या पूरा पंजाबी लुक बुक दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारे पटियाला सूट्स हैं, तो मैं आपके साथ वो अपना कलेक्शन भी शेयर कर देती हूँ एंड सूट पहन के भी दिखा दूंगी। आप बोलेंगे तो सारे पहन के दिखा दूंगी या एक दो पहन के दिखा दूंगी एंड बाकी जो मेरे पास कलेक्शन है वो दिखाऊंगी। मुझे पटियाला सूट्स काफ़ी पसंद है, उस पर इतने सारा घेर होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे ना सिंस चाइल्डहुड, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी मेरे को ना सरदारनी दोस्त मिली है, पंजाबन और सरदारनियाँ, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ सिख कल्चर से एंड पंजाबियों से एंड इस तरह के खाना पीना लाइफस्टाइल परांदा, मतलब जो भी है मुझे पंजाबी चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। एंड आपने देखा ही है मैं गुरुद्वारे भी बहुत जाती हूँ, तो मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो पालक साफ करूँ या क्या साफ? तो हाँ, आज मैंने काशीफल भी लिया है। काशीफल मुझसे अच्छा नहीं बनता है बट मैंने ले लिया है, एक बार ट्राई करते हैं। एक लौकी चने की दाल और एक होता है काशीफल, ये दोनों मुझसे कभी अच्छी नहीं बनते। कुछ सब्जियां हैं जो मेरे हाथ नहीं चढ़ी हैं, ऐसे पोहा भी मुझसे कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मैं पोहे में चाहती हूँ वो लेमन येलो वाला कलर आए, बट मेरा लेमन येलो नहीं, वो रेडिश येलो आता है। मैंने बहुत ट्राई किया है, कभी कभार आ जाता है, उसमें मैं बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन हर बार नहीं आता है। तो मैं ट्राई 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 कर रही हूँ। एंड अभी जैसे मैंने बताया मुझे थोड़ी भूख लग गई है, तो पहले ये साफ़ कर लूँ एंड फिर अपने लिए कुछ बनाऊँगी। मैं अभी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि शौर्य सो रहा है एंड मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ तो शौर्य भी जागा हो, तो वो मेरे साथ थोड़ा बहुत खा लेगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ, बट पता नहीं है वो खाएगा या नहीं। तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा काम निपटा के बाहर आ गई हूँ बालकनी में, मैंने चेंज भी कर लिया है। मैं सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि बालकनी काफ़ी बड़ी है एंड गंदी हो जाती है, तो मोस्टली मैं एवरीडे ही बालकनी में झाड़ू लगाती हूँ। मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है कि मैं अपनी बालकनी को किस तरह से क्लीन करती हूँ और मेरा क्या रूटीन रहता है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी क्लीनिंग वाली प्लेलिस्ट में। तो इस तरह से मैं रेलिंग के नीचे झाड़ू मार रही हूँ और पूरी बालकनी में भी झाड़ू लगाऊंगी। साइड से कर दूंगी कूड़ा, क्योंकि शौर्य को जैसे ही कूड़ा दिख जाता है वो उसे फिर झाड़ू से बिगाड़ने लग जाता है, ये भी बहुत होता है। एंड मेरी बालकनी काफ़ी बड़ी है एंड जब मुझे नए घर में जाना होगा तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ इस घर को और इस घर की बालकनी को। स्पेशली ये घर मैंने रेंट पे लिया था बिकॉज ऑफ दिस बालकनी, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। दिल्ली वगैरह में रहो तो एक छोटी सी नाम की बालकनी मिलती है, उसमें खड़े हो जाओ या बैठ जाओ बस।
हाँ फ्रेंड्स, तो मैं अब किचन में आ गई हूँ। मैं बना रही हूँ खाना एंड छोले को चाहिए फोन, इसलिए मैं बहुत जल्दी से क्लिप बनाऊंगी। वो आहत कर रहा है, वो ब्लूटूथ से सॉन्ग सुनने या टनाना सुनने है। तो मैं सूखी बैगन की सब्जी बना रही हूँ, उधर सॉरे की बोतलें उगली हुई रखी हैं एंड रायता बनाऊंगी। तो जब डिनर बन जाएगा तब मैं आपको दिखा दूंगी। ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे आप लोग के साथ ऑलरेडी एक रूटीन में शेयर कर चुकी हूँ, उसको मैं कोशिश करूंगी एंड स्क्रीन में लगा दूंगा मुझे ध्यान नहीं। तो अब नवाब को फोन चाहिए, वो भी फोन दे दो। यह है मेरा डिनर। इसमें पहले मैंने बनाया बूंदी का रायता, बैगन की सूखी सब्जी और आलू की सब्जी जो मॉर्निंग में बची थी वो, एंड नॉर्मल फुलके और ये शौरी की नॉटीनेस। हाँ फ्रेंड्स, डिनर हो गया एंड मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा क्योंकि कि मेरा व्लॉग चल रहा है, मतलब हम संदीप और मैं बातों में रह गए। और उधर शौर्य मेरा फ़ोन आजकल फिर से बहुत लेने लग गया, उसकी फ़ोन की आदत हमने काफ़ी खत कम कर दी थी, बट वो फिर से अभी एक हफ्ते उसकी छुट्टी हुई ना तब उसके फ़ोन की आदत हो गई। यानी सर्वाइवर मैं बस सोने को हो रही थी, फिर मुझे ध्यान आया मुझे फेस वॉश करना है, फिर फेस वॉश से ध्यान आया अरे व्लॉग तो एंड किया नहीं, तो बस वही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए विद द बेल बटन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।